ये है लीला शर्मा, उम्र 40 साल। आज वे अपने घर के अलावा बाहर के काम करने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के धामी के समीप अरलोट गांव की लीला शर्मा वर्ष 2015 में एक बार घर व खेतीबाड़ी का काम करते हुए गिर गई थी। जब वे डॉक्टर के पास गईं तो उन्हें पता चला कि गिरने की वजह से उनके दिल में खून के थक्के यानी क्लॉट्स बन गए हैं। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन साथ ही इलाज के लिए लाखों रुपए का इंतजाम करने को भी कहा। पेशे से किसान परिवार की लीला शर्मा इतने बड़े खर्चे को देखकर परेशान हो गई और उन्होंने इस ऑपरेशन को ना करवाने का फैसला लिया। मेरा नाम लीला शर्मा है और मैं शिमला की रहने वाली हूँ, गांव धामी अरलोट से। मैं पहले भी वहाँ रहती थी और फिर मेरे को चक्कर आते थे, फिर मैं बाहर एक बार में गिर गई, फिर मैं हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ पे बोला कि प्लास्टर हुआ, फिर मेरे टेस्ट हुए, फिर उन्होंने फिर हार्ट की प्रॉब्लम बताई, फिर उन्होंने बोला कि पैसे जमा करो और इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमने बोला हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम नहीं करा सकते। तो फिर उस टाइम तो हम घर आ गए, फिर दो हफ्ते बाद फिर से प्रॉब्लम हो गई, फिर हम गए, फिर डॉक्टर ने बोला कि पेसमेकर डलेगा, आपको स्टंट डालना पड़ेगा। फिर मैंने बोला मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं डाल सकती। जिस समय लीला शर्मा इस खर्चे के बारे में सोच रही थी, ऐसे में उनके पति नेकराम शर्मा को पता चला कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उनके परिवार के लिए सहारा बन सकती है। उन्होंने तुरंत शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संपर्क किया और अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवा लिया, जो बाद में आयुष्मान भारत कार्ड में परिवर्तित हो गया। मेरी वाइफ जो है घर में गिर गए थे, तो इनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेके डॉक्टर साहब ने बोला कि इनको तो ये स्टंट पेसमेकर डलना है, ये दिक्कत हो गई है, इससे बगैर तो कोई और कोई इलाज नहीं है। तो मैं हॉस्पिटल में, हमारे पास इतना खर्चा था नहीं कि इसमें तो 2 से 3 लाख के बीच में खर्चा आना है, तो मुझे एक आयुष्मान कार्ड का जो फैसिलिटी गवर्नमेंट आज की डेट में दे रही है वो कार्ड बनाया, उससे हमारे को जो है 3.5 से 4 लाख के बीच राहत मिली है। आज लीला शर्मा पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनके इलाज पर आया लगभग 4.5 लाख रुपए का खर्चा भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उठाया गया है। लीला शर्मा का कहना है कि यदि ये योजना ना होती तो शायद वे अब जिंदा भी ना होती। आयुष्मान का कार्ड बनाया, फिर उस पे पूरी फैसिलिटी मिली, 3-4 लाख का खर्चा आया उस पे, फिर वो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। हस्बैंड भी हैंडीकैप्ड है आइज से और 60% है, और फिर मेरे को संभालना पड़ता है घर में भी। वो प्राइवेट जॉब करते हैं पर उसमें भी मेरे को उनका हाथ बटाना पड़ता है। अगर मेरे को फ्री फैसिलिटी नहीं मिलती तो मैं आज कुछ नहीं कर पाती। लीला शर्मा व उनका परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए नहीं थकता, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना शुरू कर गरीब लोगों को इलाज के लिए सक्षम बनाया है। पर आज प्रधानमंत्री की देन से मैं आज ठीक हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, उनका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और खास करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक दिल से बहुत ही धन्यवादी। ये फैसिलिटी हम जैसे गरीब आदमी के लिए पूरे देश में ये जो ये चलाई है स्कीम, ये बहुत ही गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी इस फैसिलिटी को ले रहा है, और बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये पूरे देश में हर गरीब अपना इलाज करके अपने फैमिली को, अपने हर बीमार से बीमार व्यक्ति को, आराम से अपने आदमी को बचा सकता है। अब तक हिमाचल प्रदेश में 7,78,000 लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ उठाया है, जो क्रम अब भी जारी है। विनोद शर्मा के साथ नंदिनी मित्तल, DD News शिमला।